हाय फ्रेंड्स, मैं किरण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है स्वराज्य। गाइस, फिर से यह एक बार मैं वापस से ऑनलाइन आ चुका हूँ, मतलब ये नोटिफिकेशन बना रहा हूँ। गाइस, मुझे लगता है ये दिन में तीसरी वीडियो होगी। तो ये जो रिक्रूटमेंट जो आ चुकी है वो जॉइंट इंडियन आर्मी में है। इसमें आपको हवलदार की पोस्ट मिल जाएगी। एज लिमिट की बात करें गाइस, तो यहाँ पे 20 से लेके 25 साल तक आप आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट की बात करिए इन्होंने, SC ST को यहाँ पे 5 साल का छूट दिया गया है और OBC को यहाँ पे 3 साल का छूट दिया गया है। एलिजिबिलिटी की बात करते गाइस, तो यहाँ पे आपको 12th पास या आप ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है गाइस, नोटिफिकेशन के ओर बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नोटिफिकेशन के। तो गाइस, ये रहा नोटिफिकेशन जो निकला हुआ है जॉइंट इंडियन आर्मी में। मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, एज लिमिट की बात जैसे मैंने आपको बोला 20 से लेके 25 तक होना चाहिए। आपकी जो बॉर्न डेट होनी चाहिए कम से कम 1 अक्टूबर 1993 से लेके 1998 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा SC ST के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करो यहाँ पे, तो 12th पास आपको होना चाहिए। ठीक है, विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ। ठीक है, और ये मेडिकल स्टैंडर्ड उन्होंने दिया है, मतलब आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो कम कितने सेंटीमीटर हो में होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो अगर आप वेस्टर्न हिमालय से आते हैं तो 163 आपकी वेट होना चाहिए, 48, और चेस्ट होना चाहिए 77। चेस्ट जो है गाइस, ये सबके लिए एक से एक बराबर है। ठीक है, और इसमें हाइट जैसे ईस्टर्न हिमालय हो गया 160, वेस्टर्न हो गया 170, ईस्टर्न प्लेन हो गया 169, सेंट्रल प्लेन हो गया 168, साउथ प्लेन हो गया 166, तो आप एक बार इसे ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है गाइस, फिजिकल फिटनेस की बात करें गाइस, तो आपका यहाँ पे 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसमें आपको 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर दौड़ना है। ठीक है, तो आप अपना स्टैमिना 5 मिनट्स का नहीं तो गाइस 4.5 मिनट का बना लेना। ठीक है, और पुलअप्स होगी यहाँ पे, आपको कम से कम 6 पुलअप्स तो लगाना है। फिर उसके बाद आपको जिगजैग बैलेंस होना, वो आपको क्वालिफाई करना है, और 9 फीट जंप होगा, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद आप स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगी, कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबिलिटी वाइल बी इश्यू विथ एडमिट कार्ड। ठीक है, तो ये आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, भेजा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिटर्न एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है गाइस, तो आपको ये भेजा दिया जाएगा। पेपर 1 होगा गाइस, इसमें आपका मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स का जो होगा 100 मार्क्स का। पासिंग के लिए गाइस आपको यहाँ पे 40 मार्क्स तो ज़रूर लाने हैं। ठीक है, और पेपर 2 जो होगा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड होगा, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें आपको कम से कम 40 मार्क लाना है। और जो क्वेश्चन की बात करें गाइस, तो इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और एक जो क्वेश्चन होगा 2 मार्क का होगा, और इसमें नेगेटिव भी मार्क्स होगा जो -0.5 से होगा। आपको स्कोरिंग के लिए खाली यहाँ पे 40% मार्क्स लाना है। ठीक है, तो आपको किस तरह अप्लाई करना है, तो गाइस आपको यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ। तो रिक्रूटमेंट विल बी कैरी थ्रू द हेडक्वार्टर्स रिक्रूटिंग जोन एंड इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस दिल्ली कैंट। ठीक है गाइस, तो आपको ये ऑनलाइन आवेदन करना है, जो बल्कि www.joinindianarmy.nic.in, यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले। ठीक है गाइस, और ये जो भर्ती है खाली मेल कैंडिडेट्स के लिए, ऑल ओवर के इंडिया के बच्चे यहाँ कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी सबसे पहले आप चेक करो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पर्सनल डिटेल्स, पिन कोड, क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये आपको वहाँ पे आवेदन के समय देना है। ठीक है, तो आपको प्रोसीजर क्या करना है गाइस, कि जब आप www.joinindianarmy पे जाओगे, उससे पहले आपको अप्लाई और लॉगिन
तो आपको किस में करना है, JCO/OR, तो इसमें जाके आपको लॉगिंग करना है। ठीक है, लॉगिंग करने के बाद आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके एक बटन आएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। और ये जानकारी जो मैं आपको बोला था, ठीक है, जैसे पर्सनल एजुकेशन डिटेल्स हो गया, फिर आपका एड्रेस का हो गया, डोमिसाइल हो गया, सर्टिफिकेट, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मतलब दर्ज करवाना होगा। उसके बाद आपको एक फ़ोटो और आपकी सिग्नेचर वहाँ पे देनी होगी। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है गाइस, तो आप ज़रूर पढ़ लेना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 5 अक्टूबर से ये चालू हो चुके हैं और इसकी आखिरी डेट होगी 9 3 नवंबर, सॉरी गाइस। ठीक है गाइस, तो आज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है ड्यूरिंग मतलब आपको फॉर्म कैसे भरना है समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फिर मैं आपको उसके लिए दूसरी एक वीडियो लाऊंगा, ऑनलाइन आवेदन किस तरह करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखो, अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम, जय हिंद गाइस।